आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब था। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मुझे पता है तुम्हारे साथ अंदर कोई और भी है। दरवाजा खोलो नहीं तो सच में तोड़ दूंगी। खोलते हो या नहीं? मैं सिर्फ तीन तक गिनने वाली हूँ, समझ गए? मैम सुनिए, दो मैम, रुकिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो वे, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसमें मत पड़ो। और तुम सब भी इसे दूर रहो। और किन मेन्यू, तुम सुन लो, दरवाजा नहीं खोला ना। किसी ने पुलिस को बुला लिया तो तुम्हें इस हरकत के लिए जेल भी हो सकती है, 15 दिनों के लिए, साथ में क्रिमिनल रिकॉर्ड। मैं एक बार उससे बात कर सकती हूँ? थैंक यू। किन वेन्यू, ये मिस रेन लेमी के साथ तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स हैं। अगर डिवोर्स चाहिए तो साइन करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने तक का वक्त है। साइन करने के बाद तुम्हें वहाँ तक जाना पड़ेगा। देखो मिस्टर किन, तुम हमेशा के लिए तो अंदर छुप नहीं सकते ना, कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ है तो इसे तो तुम दोनों को ही सॉर्ट करना होगा। रेन मैम, तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम लोगों से डर गया हूँ। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें हम लोगों से कोई बात नहीं करनी है तो अब सीधे पुलिस से ही बात कर लेना। पुलिस क्यों? तुम्हें पुलिस बुलाने का कोई हक नहीं है। किन वेन्यू, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। उसे कहो कि फोन रख दे, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पुलिस को फोन नहीं करती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं अकेली ही आऊंगी। उसे कहो यहाँ से जाए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम्हें सब ठीक करना है तो नीचे जाकर वेट करो। अरे पर इसे तो कुछ, मैं उसे देख लूंगी, समझी? मैं अभी आती हूँ। इन सब के लिए माफी मांगती हूँ। थैंक यू। हाँ देख लो सब। हाँ तुम चाहो तो एक एक कोने में जाकर देख सकती हो, कोई नहीं मिलने वाला, यहाँ कोई नहीं है, समझी? सब ध्यान से देखना, एक भी कोना छोड़ना मत, देख लेना यहाँ कोई है या नहीं है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इस चादर के नीचे देख लो, यहाँ पे भी कोई नहीं। लेकिन आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। हमारे बीच में भरोसा जैसा कुछ है या नहीं है? इतना गुस्सा आ रहा है, और उस औरत से कह देना कि आज उसने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। ए रुको, ए सुनो, पता नहीं किसका फोन बज रहा है, क्या पता। सरप्राइज, इसका फोन होगा। क्या कर रही हो? अरे फोटो नहीं, मत नहीं, लेना। नहीं, नहीं, फोटो नहीं, फोटो नहीं, अरे फोटो मत खींचो, अरे रुको, अरे मत खींचो, अरे अरे क्या कर रही हो? अगर सच में मेरा अफेयर होता तो मैं इस लड़की को लेकर यहाँ होटल में क्यों आता? मैं पागल हूँ? ये तस्वीरें जो मैंने ली है कमाल की है।
देखो तुम्हारे हाव भाव पहनावा कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि तुम बेकसूर हो। किंशी तुम ये भूल गई हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं। हाँ तो तुम मेरी जगह उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? डिलीट करो उसे, डिलीट करो। इस वक्त मैं सिर्फ रेन मेमे की लॉयर हूँ और तुम मुझसे तमीज से पेश आना। अगर ये बात है तो मैं भी तो पैसे दे सकता हूँ। डिलीट करो ना उसे। मिस्टर किन, आई एम सो सॉरी, सारी मेरी गलती थी। देखो किंशी, तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं बाहर जाकर एक बार मेमे से बात कर सकती हूँ? तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें उसे सफाई देनी पड़े? अगर तुमने सफाई देने की कोशिश की तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तुम जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। कहाँ? डिवोर्स चाहिए ना? उसे कहो पहले साइन करे। मैं पहले क्यों करूं? गलती तो पहले इसने की है। देखा ना तुमने, ये क्या बोल रही है? इसकी गलती है तो भी तुम इसकी तरफदारी कर रही थी ना आज? हाँ? मैंने कुछ नहीं अच्छा किया। अच्छा तो ये सब मैंने किया है ना? तुम दोनों अब मेहरबानी करके बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे? तुम दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और बच्चे नहीं चाहते हो। हमारे सामने डिवोर्स अग्रीमेंट का 17th वर्जन है और अब हम इसे टेम्पलेट के तौर पर यूज कर रहे हैं। अब तुम दोनों इस पर साइन कर दो और अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ो। तो इस बार भी तुम दोनों को डिवोर्स नहीं चाहिए। शायद तुम दोनों को इसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन डिवोर्स लॉयर होने के नाते मैं दोबारा सोचने की सलाह दूंगी। डिवोर्स लेने के लिए दोनों की मर्जी जरूरी होती है, लेकिन तुम दोनों की लड़ाई की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद हो रहा है। तुम्हें कोई वक्त की कदर है या नहीं? सेकंड वेन्यू, आपको याद रखना पड़ेगा कि अब आपकी शादी हो चुकी है और आपको दूसरी औरतों के साथ अकेले मिलना बंद करना होगा। और आप रेन मेमी, अगर आप सच में इस शादी को बचाना चाहती हैं, तो आपको अपने पति को इज्जत देनी होगी और विश्वास दिलाना होगा। और अगली बार इस काम के डबल पैसे चार्ज करूंगी। क्या डबल पैसे? अरे तुम्हें पैसे चाहिए? तुम अपनी भाभी से डबल पैसे लोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती?